प्रणाम गुरुजी। ये लड़की क्या कर रही है यहाँ पे? गुरुजी, आपके 5 मिनट मिल सकते हैं क्या? कुछ बात करनी थी आपसे, लेकिन यहाँ नहीं, अकेले में। आओ। बढ़िया से। झनक, मेरी झनक। अनिरुद्ध झनक को ब्रिजभूषण गुरुजी के पास लेकर जाता है झनक के मंजूरी के बगैर, क्योंकि जहां झनक गुरुजी को ही अपनी मां का कातिल समझती है, क्योंकि उन्हीं के कारण उसकी मां ने खुदकुशी की थी। पर अब अनी गुरुजी को वो चिट्ठी पढ़ाता है जिसमें झनक का जीवन का सच लिखा है, और ये साबित होता है कि गुरुजी ही झनक के पिता है। और गुजारिश करता है अनी कि वो ये नहीं कह रहा कि गुरुजी झनक को एक पिता के हैसियत से सिखाएं, पर एक स्टूडेंट के जैसे तो सिखा ही सकते हैं, और अगर वो ऐसा कर देंगे तो झनक की सोई किस्मत का ताला खुल जाएगा और वो अपने जीवन में आगे बढ़ सकती है। पर अब जहां गुरुजी झनक का डांस देखते हैं, वो समझ जाते हैं कि जैसा अनी ने कहा है, वाकई में ये लड़की में कुछ खास है और वो एक चमकता सितारा है। पर अब वो ये भी ठान लेते हैं कि ये लड़की उनके पास ना तो दोबारा आनी चाहिए और ना ही उसकी सच्चाई बाहर आनी चाहिए, वरना गुरुजी का तो सब सत्यानाश हो जाएगा। तो क्या अब झनक को आगे ट्रेनिंग देंगे गुरुजी, या फिर उसकी वापसी का इंतजाम करेंगे ताकि वो सबके जीवन से जल्द चले जाए? आगे आखिर झनक के साथ क्या होगा? क्या झनक अनी के ऑफिस के प्रोग्राम में हिस्सा लेगी? देखते रहिए यहीं पर, जहां हम आप तक लेकर आएंगे झनक की सारी अपडेट। अनिरुद्ध सच कह रहा था, ये लड़की खास है, लेकिन हम इस सच को नहीं अपना सकते। सब कुछ खत्म हो जाएगा हमारे लिए, सब कुछ। हम सिर्फ एक ही शब्द पर इसे अपनी कला सिखाएंगे कि उस लेटर का सच कभी बाहर नहीं आएगा, कभी नहीं।